नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। चंद्रशेखर बावनकुले का नाना पटोले पर हल्ला बोल, कहा नाना पटोले अब तक के सबसे मजबूर प्रदेशाध्यक्ष। पंद्रह दिसंबर से गीला और सूखा कचरा अलग अलग देना होगा, मनपा आयुक्त राधा कृष्णन बी ने दिए आदेश। और भारतीय बौद्ध महासभा एकत्रित होकर करेंगी कार्य, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के परपोते भीमराव आम्बेडकर का आह्वान। और अब खबरें विस्तार से। नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अब तक के सबसे मजबूर प्रदेशाध्यक्ष हैं। दो मंत्रियों के दबाव में उन्होंने नागपुर विधान परिषद का कांग्रेस का उम्मीदवार बदल दिया, इसलिए नाना पटोले को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा वक्तव्य भाजपा के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इतिहास में अब तक इतना कमजोर कांग्रेस नेता नहीं मिला। बदलो नहीं तो यापेक्षा नामुष्की शर्मेची बाब काही नाही आहे, आणि म्हणून असा हदबल प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टीला न्याय देऊ शकत नाही, आणि म्हणून त्यांना तात्काळ सोनिया गांधीजींनी हटवलं पाहिजे किंवा यांनी राजीनामा दिला पाहिजे। दबाव टाकणारे जे दोन मंत्री आहेत, दबाव टाकणाऱ्या मंत्र्यांवर कारवाई नाही झाली पाहिजे असं नाही वाटत? दोन निर्णय काँग्रेस पक्षाने करायचा आहे, त्यांच्या मंत्र्यावर कारवाई करायची की नाही। पण ज्या पद्धतीने नाना पटोलेजीवर नामुष्की आली, ज्या पद्धतीने ते हदबल दिसले, ज्या पद्धतीने त्यांनी प्रस्ताव स्वीकारला, प्रस्तावावर त्या ठिकाणी त्यांनी अध्यक्ष म्हणून सही केली, तर असा अध्यक्ष काँग्रेस पक्षाला कसा न्याय देऊ शकेल? आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये ज्या पद्धतीने काँग्रेसची वाताहत झाली, येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये विदर्भात तर वाट लागणार आहे। जो प्रदेश अध्यक्ष या पद्धतीने हतबलता दाखवत असेल तो कसा काय काँग्रेसचे कार्यकर्ते ऐकतील? त्यांना दोन मंत्र्यांच्या दबावाखाली इतके हतबल, तर मग काँग्रेसचा छोटा कार्यकर्ता काय करेल? आणि म्हणून काँग्रेसमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे, काँग्रेसमध्ये प्रचंड निराशा आहे, आणि काँग्रेस पक्ष आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये या हतबलतेमध्ये निवडणूक लढू शकणार नाही इतका कार्यकर्ता खचलेला आहे। मला वाटतं काँग्रेस पक्षाची सर्वात दयनीय अवस्था झाली आहे। नागपूर मनपा द्वारा 15 दिसंबर से गीला और सूखा कचरा एक साथ स्वीकार नहीं किया जाएगा। मनपा आयुक्त ने गीला और सूखा कचरा अलग अलग स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। नागपुर महानगर पालिका द्वारा कचरा संकलन करने वाली गाड़ी में गीले और सूखे कचरे की व्यवस्था की गई है, लेकिन कुछ नागरिक घर में सूखा और गीला कचरा अलग अलग नहीं करते हैं। मनपा द्वारा गीला और सूखा कचरे का अयोग्य व्यवस्थापन करने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। अब 15 दिसंबर से सूखा और गीला कचरा अलग अलग इकट्ठा किया जाएगा, ऐसे स्पष्ट निर्देश मनपा आयुक्त राधा कृष्णन बी ने शनिवार को दिए हैं। साथ ही मनपा आयुक्त ने लोगों से आह्वान किया है कि वे गीला और सूखा कचरा अलग अलग कर कचरा गाड़ी में डालें। भारतीय बौद्ध महासभा एकत्रित होकर कार्य करेगी, ये कहना है डॉक्टर बाबा साहब के परपोते भीमराव अम्बेडकर का। आयोजित पत्र परिषद में उन्होंने जानकारी दी। भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 4 मई 1955 को की थी और उसे चैरिटी कमिश्नर में रजिस्टर किया था। डॉक्टर बाबा साहब के निधन के बाद बौद्ध महासभा दो हिस्सों में बट गई थी, लेकिन अब भारतीय बौद्ध महासभा एकत्रित होकर कार्य करेगी, ये जानकारी डॉक्टर बाबा साहब के परपोते भीमराव आम्बेडकर ने आयोजित पत्र परिषद में दी। इस महासभा के जरिए अब एकत्रित होकर बौद्ध समाज के लिए कार्य किए जाएंगे, ऐसी जानकारी पत्र परिषद में दी गई। जिची स्थापना बाबा साहेबांनी केली आणि ह्या संघटनेच्या वतीने ह्याच नागपूरच्या दीक्षाभूमीवरती त्यांनी धम्मक्रांती केली। आज देशामधली भारतीय बौद्ध महासभा एक प्रस्थापित, ज्याला जास्तीत जास्त लोकांचा सपोर्ट आहे, बौद्ध धर्मीयांची मातृसंस्था म्हणून ही आज कार्यरत करते। आज 22 राज्यांमध्ये भारतीय बौद्ध महासभा कार्यरत आहे आणि ह्या संघटनेमध्ये अनेक वर्षापासूनचे वाद होते ते आता आम्ही मागच्या महिन्यामध्ये मिटवण्यात आले। एकत्र लहान कोर्टापासून अगदी सुप्रीम कोर्टापर्यंत
आणि त्याच्यामुळे लोकांना काहींचा समज झाला, गैरसमज झाला की फार मोठा ह्याच्यामध्ये गडबडी ह्या संस्थेमध्ये आहे। मैं इस प्रेस कॉन्फरन्स के माध्यम से बताना चाहता हूँ काही गडबडी नव्हती। टेक्निकल मुद्द्यावरून वाद होते, आम्ही जरी कोर्टामध्ये असलो तरी आम्ही दोघेजण गप्पा टप्पा मारत होतो। वैचारिक वाद ह्याच्यामध्ये निर्माण झाला तो आम्ही निर्माण नाही झाला तर कोर्टाच्या माध्यमातून हा वैचारिक वाद निर्माण झाला। जेव्हा अध्यक्षपदाचा मुद्दा आला तेव्हा चॅरिटी कमिशनरनी आम्हाला असं सांगितलं 1980s ऐंशीच्या दशकामध्ये की बाबासाहेबांनी लिहिलेली ही घटना ती अध्यक्ष पुढचा अध्यक्ष कसा निवडावा ह्याच्याबद्दल व्हेरी सायलेंट आहे, तिच्यामध्ये संपूर्ण विस्तृत असं कलमामध्ये त्याचा उल्लेख नाही। बाबासाहेबांच्या नंतर ह्या संस्थेचे दुसरे अध्यक्ष भैय्यासाहेब आंबेडकर झाले आणि तेव्हा देखील असाच वाद होता निर्माण झाला होता, परंतु त्यावेळी त्यांना चॅरिटी कमिशनरनी सांगितलं ठीक आहे हा वाद तेवढा मोठा नाही। पण 80s जेव्हा सांगण्यात आलं की बाबासाहेबांची घरची घटना जी भारतीय बौद्ध महासभेची आहे त्याच्यामध्ये एक अक्षर देखील अमेंडमेंट होणार नाही, सुधारणा होणार नाही। शनिवार सुबह नागपुर के धंतोली जोन के बाहर नाले के पास एक मगरमच्छ दिखाई दिया जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस संबंध में वन विभाग को जानकारी दी गई। शहर में कुछ दिनों पहले भी मगरमच्छ दिखाई दिया था और शनिवार की सुबह फिर एक बार धंतोली जोन के बाहर नाले के पास मगरमच्छ दिखाई दिया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची लेकिन वहां से मगरमच्छ नदारद था। तब तक किसी ने इसकी फोटो व वीडियो बना ली थी। वन विभाग उसे देख हक्का बक्का रह गया। अभी तक वन विभाग की टीम के साथ मगरमच्छ आंख मिचौली कर रहा था लेकिन अब मगरमच्छ लुका छिपी खेल रहा था। शनिवार की सुबह शहर के धंतोली जोन के बाहर बहते नाले के पानी में एक व्यक्ति ने मगरमच्छ को आराम फरमाते देखा। उसने तुरंत इसका वीडियो बनाया। भीड़ की हलचल होते ही मगरमच्छ पानी में चला गया। किसी ने ये जानकारी वन विभाग को दी, हालांकि कुछ ही देर में मगरमच्छ वहां से चला गया। नागपुर की एक महिला डॉक्टर ने जहरीला इंजेक्शन खुद को लगाकर आत्महत्या करने की घटना सामने आई है। जरीपटका परिसर में गुरुवार को रात में ये घटना घटी और शुक्रवार शाम को घटना उजागर हुई। आकांक्षा अमृत मिश्रा मृत महिला डॉक्टर का नाम है। MBBS MD करने के बाद 2016 में आकांक्षा की शादी हुई जिसके बाद सोलापुर में सरकारी अस्पताल में नौकरी करने लगी। वैवाहिक जीवन में कटुता आने से आकांक्षा और उनके पति की अनबन होने लगी, इसलिए उन्होंने अलग होने का निर्णय लिया। इसी बीच कोरोना की पहली लहर में आकांक्षा नागपुर आई। जरीपटका के नागसेन नगर में अपने पिता के साथ वह रह रही थी। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पोस्ट जरीपटका इथे अकस्मात मयत दाखल आहे। यामध्ये मृतक महिला आहे, 34 वर्ष वय, नागसेन नगर इथे राहणारी आहे। तिने दिनांक 10 रोजी संध्याकाळच्या सुमारास घरामध्ये, ही महिला डॉक्टर होती आणि डिवोर्सी होती, तिचा डिवोर्स झालेला आहे पतीपासून आणि 20 नोव्हेंबर पासून ती या ठिकाणी आई वडिलांकडे राहण्यास होती। ती डॉक्टर होती परंतु काही नोकरी किंवा क्लिनिक नव्हती, प्रॅक्टिस करत नव्हती। नैराश्यातून आत्महत्या केल्याचं समोर आलेलं आहे। एक सुसाईड नोट तिच्या रूममध्ये आम्हाला मिळालेली आहे, ती जप्त केलेली आहे तपासकाने। तसा संशय कुणावर नाही, तिने सिरिंजमधनं औषधी घेऊन सुसाईड केलेलं आहे, त्यावर तपास पोलीस स्टेशनला चालू आहे। नाही, याबाबत संशयास्पद असं नाही आहे, आत्महत्या केलेली आहे, क्लिअर आत्महत्या दिसून येत आहे। परंतु नेमकं कोणतं इंजेक्शन तिने घेतलं किंवा कोणतं औषधी विषारी औषध त्या इंजेक्शनमधनं घेतलं याबाबत तपास चालू आहे। ही जी महिला आहे ही 2017 लग्न झालं होतं, ते 2019 डिवोर्स झालेलं आहे आणि त्यानंतर ती आई वडिलांकडे राहण्यास होती। घरी आई वडील आणि भाऊ अशी फॅमिली आहे। वक्त चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन,
मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ओबीसी आरक्षण रद्द किए जाने से भंडारा में मतदान न करने का संकल्प ओबीसीओं ने लिया है। सभी ओबीसी स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव जाहिर हुए हैं। चुनाव की आचार संहिता शुरू है। चुनाव में आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 दिसंबर थी, जिसमें जिले के कई ओबीसी उम्मीदवारों ने आवेदन भरा था, लेकिन आवेदन करने के अंतिम दिन सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पूरी तरह रद्द किया, जिस कारण ओबीसी वर्ग नाराज है। इसलिए भंडारा में स्थानीय स्वराज्य संस्था चुनाव में ओबीसी ने मतदान न करने का निर्णय लिया है। मित्रांनो, 6 डिसेंबर 2021 रोजी ओबीसी च्या आरक्षणावर आणखी घाला घालण्यात आलेला आहे। सुप्रीम कोर्टात काही आमच्याच जिल्ह्यातील रमेश डोंगरे माजी जिल्हाध्यक्ष, जिल्हा परिषद अध्यक्ष व भावना गवळी हे काही दिवसाआधी सुप्रीम कोर्टामध्ये गेले होते की 27% वर आरक्षण ओबीसींना देण्यात येऊ नये। तसेही 27% वर आरक्षण ओबीसींना देण्यात आलेलं नाही। काही दिवसाआधी केंद्र सरकारने आदेश दिला की राज्य सरकारने इम्पिरियल डाटा गोळा करून ओबीसीचं आरक्षण वाचवावं, पण जवळपास 6 महिने लोटूनसुद्धा राज्य सरकारने ओबीसीचा डेटा गोळा करण्याकरता 564 कोटी ही निधी घोषित केली होती। त्यानंतर घोषित तर केली, पण 1 कोटीसुद्धा आतापर्यंत ओबीसी डेटा गोळा कलेक्ट करणाऱ्या समितीला दिलेला नाही। निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका थांबलेल्या आहेत। त्यामध्ये आम्ही ओबीसीच्या जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित करत आहोत की ओबीसीच्या जनगणने अभावी ह्या निवडणुका थांबलेल्या आहेत, की त्यांना मिळणारा राजकीय आरक्षण हा 27% जास्त नसावा किंवा 27% आरक्षण नसावा या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देऊन स्थगिती दिली आहे की त्यांची संख्या कशाच्या आधारावर आपण त्यांना आरक्षण देऊ शकतो। आणि आमच्या पक्षाच्या वतीने असे मत ठरवण्यात आलं आहे की जेव्हापर्यंत ओबीसींच्या मुख्य जागा किती द्यायच्या हा मुद्दा समोर येत नाही तेव्हापर्यंत संपूर्ण स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका स्थगित करण्यात यावा संपूर्ण, नाहीतर त्याच्या जी सत्ताधारी। काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के विरोध में बदनाम करने वाले, मैसेज करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पूर्व नगर सेवक ने की है। अन्यथा पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने आमरण अनशन करने की चेतावनी पूर्व नगर सेवक ने दी है। कल्याण में घर रजिस्ट्रेशन करने के नाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के नाम से पूर्व नगर सेवक ने पैसे ऐंठने का मैसेज वायरल होने से खलबली मची है। इस प्रकरण में मेरा कोई लेना देना नहीं होने की बात पूर्व नगर सेवक कुणाल पाटिल ने कही। उनका कहना है कि नाना पटोले और उनके नाम की बदनामी करने वाला मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस संबंध में पुलिस थाने में शिकायत की गई है। इस संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग पूर्व नगर सेवक ने की है। जो काही मेसेज व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून टोकन माफियांनी फिरवलेला आहे, त्या टोकन माफियांसाठी ही काही पत्रकार परिषद आज घेण्यात आली होती। त्यांनी असा आरोप केला होता माझ्यावर आणि काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले साहेब यांच्यावर देखील आरोप केला होता की नाना पटोले साहेबांना कुणाल पाटील यांनी 27 गावातील बिल्डर यांच्या माध्यमातून पैशाची काही मागणी केली म्हणून रजिस्ट्रेशन करण्याकरिता। तर माझी अशी पोलिसांना विनंती केलेली आहे पत्राद्वारे
की जो कोणी माफिया आहे टोकन माफिया ते या 27 गावातील बिल्डर असोसिएशनला ग्रामीण क्षेत्रातील नागरिकांना सर्वांना माहिती आहे। माझी बदनामी करण्याकरिता नेहमीप्रमाणे हे लोक सक्रिय असतात। गेल्या 8 महिन्यापूर्वी पण आपण पाहिलं असेल, आता देखील त्याचप्रमाणे व्हॉट्सअपला या लोकांनी कालपासून मेसेजच्या द्वारे काही रेकॉर्डिंग्स देखील माझ्या हितचिंतकांनी मला पाठवलेले आहेत। ते ऐकल्यानंतर मला तर एकदम शॉक बसला। खऱ्या अर्थाने आज कुठेतरी समाजामध्ये आम्ही चांगलं काम करत असताना हे बघत नसावं यांना असं वाटतं आहे। मला एकच माझी मागणी आहे पोलिसांच्या माध्यमातून, पोलिसांना नेहमीप्रमाणे मी मागणी करत असतो की हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे। या माध्यमातून मी एक अर्ज देखील केलेला आहे, माझी मागणी आहे त्यांच्यावर कठोर कारवाई। जो कोणी मेसेज व्हायरल केलेला आहे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांच्यावर कठोर अशी कारवाई झाली पाहिजे अशी माझी आणि माझ्या कुटुंबाची मागणी आहे। आणि माझे जे कार्यकर्ते त्यांना माझी विनंती असेल की आपण सध्या तरी शांतता राहून कोणताही निर्णय आपण स्वतः घेऊ नये। जर कोणी काही वाईट मेसेज फिरवण्याचा प्रयत्न केला त्याला ते त्यांचं जबाबदार असतील। कारवाई जर झाली नाही तर पोलीस स्टेशनसमोर किंवा ठाणे आयुक्त कार्यालयासमोर जाऊन मी आमरण उपोषण करणार। पुलिस कार्रवाई का डर अच्छे अच्छों को सच्चाई उगलने के लिए मजबूर कर देता है। इसी तरह का एक मामला इमामबाड़ा पुलिस के सामने आया। एक युवक ने पेट्रोल पंप से नगद चोरी और जबलपुर भाग गया। पुलिस को उसकी गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर मिला, हालांकि गर्लफ्रेंड भी उसे बचाने में मदद कर रही थी। इसी बात का फायदा उठाकर पुलिस ने गर्लफ्रेंड की मदद से उसे जबलपुर से धर दबोचा। मेडिकल चौक स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी करने वाले रीवा मध्य प्रदेश निवासी धर्मेंद्र मिश्रा को उसके मालिक ने नौकरी से निकाल दिया। इसी बात से नाराज होकर उसने पेट्रोल पंप के गल्ले से 93,000 रुपये चोरी कर भाग गया। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में धर्मेंद्र चोरी करता हुआ दिख रहा था। ऐसे में उसका मोबाइल ट्रेसिंग पर रख कर तलाश शुरू की गई थी। ट्रेसिंग के दौरान पता चला कि वह सिम कार्ड नंबर बदल रहा था। हर बार उसकी लोकेशन जबलपुर शहर में दिख रही थी, लेकिन हर बार वह एक निश्चित मोबाइल नंबर से ही बात कर रहा था। ऐसे में पुलिस ने उस नंबर की जानकारी हासिल की। पता चला कि वह नंबर धर्मेंद्र की गर्लफ्रेंड का है। ऐसे में पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड से संपर्क किया। उसे बताया गया कि धर्मेंद्र नागपुर से चोरी करके भागा है। हालांकि गर्लफ्रेंड को जानकारी थी, इसलिए पुलिस ने दबाव डाला कि यदि आरोपी की मदद करेगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। युवती मान गई और धर्मेंद्र को पकड़ने के लिए पुलिस के साथ जबलपुर गई। युवती ने उसे जबलपुर के बस स्टैंड के पास मिलने को बुलाया। पुलिस पहले से ही घात लगा कर बैठी थी, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन ला दिनांक 7/12/2021 या दिवशी 381 भादवी अन्वय गुन्हा नोंद झाला होता। आणि इंडियन ऑइल पंपचे मॅनेजर श्री विनय मनोहर कडवे यांनी फिर्याद दिली होती। तर त्यांची फिर्याद तेथील गार्ड पेट्रोल पंपावरील गार्ड धर्मेंद्र मिश्रा याच्या विरोधात दिली होती। त्याने ड्युटीवरून जायच्या वेळेस 93,000 रुपये ड्रॉवरमधून काढून चोरून नेले होते अशी माहिती समजली होती। तर त्या अनुषंगाने आपण तात्काळ जबलपूर रोडला टीम रवाना केली होती। आपण सदर गुन्ह्याचा तपास तांत्रिक ट्रॅडिशनल तसंच टॅक्टिक्स वापरून त्याला ताब्यात घेऊन 88,940 तसेच 2 मोबाईल असा 1,09,040 रुपयाचा मुद्देमाल रिकवर केलेला आहे। सध्या तो आरोपी अटकेत आहे आणि आपण कायदेशीर पुढील कारवाई करीत आहोत। तो साधारणतः 15 दिवसापासून नोकरीला होता पेट्रोल पंपावर, पण त्याचं जे काम करण्याची पद्धत किंवा अनडिसिप्लिन वेळेवर न येणे
यामुळे त्याला त्याच दिवशी तो उशीर आल्यामुळे त्याला काढून टाकला होता. त्याची जे पगार जे काम केलेचं रक्कम होती त्याला दिलेली होती, जाता जाता त्याने ते पैसे चोरून नेले. महिला कमांडो द्वारा आत्महत्या करने के मामले में उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है. सालेकसा पुलिस थाने में कार्यरत महिला पुलिसकर्मी द्वारा घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने की घटना 9 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे के दौरान सामने आई थी, जिसे लेकर हड़कंप समझ गया. आत्महत्या का कारण फिलहाल स्पष्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन मामला संदिग्ध बताया जा रहा है. मृतक महिला पुलिसकर्मी का नाम ज्योति यशवंत बघेले बताया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार वह सालेकसा थाने में सिपाही के पद पर कार्यरत थी. उसका विवाह 2017 में पांडरी पाउलदौना निवासी रमेश गिरिया से हुआ था. वह भी सालेकसा थाने की C60 पथक में नियुक्त है. दोनों पति पत्नी अपने 2.5 वर्ष के बेटे व पिता के साथ सालेकसा के में किराए के मकान में रहते थे. प्रतिदिन की तरह दोनों पति पत्नी अपने ड्यूटी पर चले गए. जब ज्योति सालेकसा पुलिस थाने में कार्य कर रही थी तभी वह अपने घर चली गई. बाद में पता चला कि उसने वहां फांसी लगा ली. जानकारी मिलते ही सालेकसा पुलिस मौके पर पहुंच गई. वह उसे ग्रामीण अस्पताल सालेकसा में उपचार के लिए पहुंचाया. स्थिति गंभीर होने से गोंदिया के एक निजी चिकित्सालय में रेफर किया गया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. जानकारी के अनुसार सुबह करीब 8 बजे ज्योति थाने आई थी. शुरुआती जाँच में उसका किसी प्रवीण बोरकर से प्रेम प्रसंग चलने की खबर सामने आई. उन दोनों में सुबह के समय थाने में ही नोकझोंक हुई और ज्योति घर चली गई और उसके बाद उसकी आत्महत्या घटना सामने आई. ज्योति के पति भी C60 दल में कार्यरत है. फिलहाल प्रवीण बोरकर को गिरफ्तार किया गया है. ज्योति के ससुर ने सालेकसा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और प्रवीण को धारा 306 के तहत गिरफ्तार किया गया. तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी. तब तक देखते रहिए VKB न्यूज. नमस्कार.